हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, एफएसबी या एसएसबी की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं उनमें से मेजर नेवी ऑपरेशंस, जो क्या क्या नेवी ने ऑपरेशन किए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस के बारे में है, वो आप देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और एफएसबी की एक सीरीज चल रही है, वो आप जरूर देखिए, यहाँ पे मैं आई बटन पे उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, इस वीडियो में जो इंडियन नेवी के ऑपरेशन, देखिए आपने करंट अफेयर्स में तो वैसे आपने पढ़ लिए होंगे जो जो भी ऑपरेशंस हुए नए, बाकी जो पहले के ऑपरेशन हुए हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए, पहला है ऑपरेशन विजय, 1961 में हुआ था। द गवर्नमेंट डेस्परेट अटेम्प्ट टू एंड 450 ईयर्स ऑफ पुर्तगीज कॉलोनियल रूल इन गोवा रिजल्टेड इन ऑपरेशन विजय इन 1961। देखिए, 1961 में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था, जो कि जो पुर्तगीज रूल कॉलोनियल रूल था उसको एंड करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको ध्यान रखिए। आज बस आपको यही याद रखना है कि ऑपरेशन कौन सा है, ईयर कौन सा है और किस लिए हुआ था। देखिए, उसके बाद है ऑपरेशन ट्राइडेंट, 1971। ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑफेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी पोर्ट सिटी ऑफ कराची। देखिए, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971 में जो हुआ था उसके जो रेस्पॉन्स में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम था, ये पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची के अगेंस्ट था। देखिए, अगला देख लेते हैं। उसके बाद है ऑपरेशन पाइथन, ये 1971 में ही हुआ था। ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन पाइथन ए फॉलो अप टू ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड नेवल अटैक ऑन वेस्ट पाकिस्तानी पोर्ट सिटी ऑफ कराची। ये जो ऑपरेशन पाइथन है, ये जो ऑपरेशन था वो इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971 का जो हुआ था वॉर, उसके बाद उस मतलब एक ये वाला ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद हुआ था। ये सेम ये नेवल बेस्ट नेवल अटैक है पाकिस्तानी पोर्ट सिटी कराची का। अगला देखिए, यह है ऑपरेशन सुकून, 2006। ड्यूरिंग द 2006 लेबनान वॉर द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन सुकून टू इवेकुएट इंडियन श्रीलंकन एंड नेपालीज नेशनल्स एज वेल एज द लेबनीज नेशनल्स विद द इंडियन स्पाउसेस फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन। अब देखिए, इस ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सुकून, ये 2006 में हुआ था, इंडियन नेवी ने किया था, और इसमें जो लेबनीज वॉर हो रही थी 2006 में, उसमें से इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सुकून शुरू किया था और इवेक्यूएट किया था इंडियंस को, श्रीलंकन को और नेपालीज को, साथ ही साथ जो लेबनीज नेशनल थे जो कि इंडियन स्पाउस के थे उनको भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकाला था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है ऑपरेशन सर्च लाइट, 2014। ऑपरेशन सर्च लाइट इज द कोड नेम ऑफ द इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्सेस जॉइंट सर्च मिशन। ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट है ये अपने इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने जॉइंटली कंडक्ट किया था, आप ये याद रखिए। इसके बाद है ऑपरेशन मदद, 2018 द नेम ऑपरेशन मदद रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय द इंडियन नेवी ऑन वेरियस ओकेजन्स थ्रू आउट इंडिया। अब देखिए, ऑपरेशन मदद है ये 2018 में इंडियन नेवी ने शुरू किया था, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन था जो कि इंडिया में ही शुरू हुआ था। अब अगला देख लीजिए, बस आपको इनके ईयर नाम याद रखने। ऑपरेशन राहत 2015, ऑपरेशन राहत ड्यूरिंग द 2015 मिलिट्री इंटरवेंशन बाय इन यमन बाय सऊदी अरेबिया एंड इट्स अलाइज ड्यूरिंग द यमनी क्राइसिस द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कंडक्टेड ऑपरेशन राहत टू इवेकुएट इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स। देखिए, ये जो ऑपरेशन राहत है 2015 में शुरू हुआ था और ये मिलिट्री इंटरवेंशन थी ना जो अपने ये यमन में सऊदी अरेबिया द्वारा, वो उस
तो उसमें जो यमनी क्राइसिस था, उसमें आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन राहत को शुरू किया था इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन नेशनल्स को। अब देखिए इस वीडियो में यही था, देखिए ये नेवी के जो भी इम्पोर्टेंट थे ऑपरेशन वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आप हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और AFSB की जो मैंने बनाई है प्लेलिस्ट उसको जरूर चेकआउट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।